हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 73 आपकी राइटिंग टास्क पर बेस्ड है। द ग्राफ शोज द पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह के जो टर्टल्स थे उनकी पॉपुलेशन 1980 से 2012 के बीच में कितनी थी, कैसे बढ़ी या कैसे घटी, इसको शो कर रहा है। आपको जो ग्राफ दे रखा है, आपको इस ग्राफ पर बेस्ड एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को आपको समराइज करना है। सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर एवर रेलिवेंट। जो इस ग्राफ की जो मेन फीचर्स हैं उसी को आप डिस्क्राइब कीजिए, और जहाँ रेलिवेंट हो, जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ पर आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में लेदर बैक टर्टल, ग्रीन टर्टल, ऑल स्पीशीज ऑफ टर्टल और ऑलिव रिडली टर्टल्स, चार तरह के डिफरेंट टर्टल्स, फोर टाइप्स के डिफरेंट टर्टल्स के क्या कर रखे हैं, कंपैरिजन कर रखे हैं। अब आपको इस कंपैरिजन पर बेस्ड आपको क्या करना है, अपना एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस पैराग्राफ को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ को एक टाइटल है, पैराग्राफ का टाइटल है पॉपुलेशन ऑफ द टर्टल्स इन इंडिया फ्रॉम 1980 to 2012। अब हम लिखेंगे ग्राफ हमें क्या शो करता है। दिस ग्राफ शोज द पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्टल्स इन इंडिया बिटवीन द ईयर 1980 एंड 2012। द पॉपुलेशन ऑफ द लेदर ब्लैक टर्टल इन 1980 वॉज 100। इसकी पॉपुलेशन 100 थी 1980 में, जो इंक्रीज बढ़कर कहाँ कितनी पहुँच गई, 110 पहुँच गई 1982 में। देन इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग स्टेडली टू 15, 20, 12। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेडली का मतलब होता है लगातार वो घटती रही, और 2012 तक वो 50 रह गए। तो पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन टर्टल थी वो कांस्टेंट रही, ना उससे ज़्यादा इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, बट थोड़ा सा स्लाइटली उसमें क्या हुआ, वेरिएशन आया। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। जो ऑलिव रिडली टर्टल था उसकी पॉपुलेशन ने जायंटली, आप अपने ग्राफ में भी देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है फ्रॉम 1980 to 1998, बट दैट इट रिमेन कॉन्स्टेंट। फिर वो एक साथ समान रही, कॉन्स्टेंट रही, ना बढ़ी ना घटी, विद लिटिल और नो फ्लक्चुएशन, थोड़ा सा या बिल्कुल नहीं के बराबर उसमें फ्लक्चुएशन, मतलब बड़ा या घटाव उसमें हुआ। फाइनली द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ टर्टल रिमेन कॉन्स्टेंट। फाइनली हम कह सकते हैं कि सबकी पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रही, लिटिल डिक्रीज इन द ईयर 1998 में बहुत डिक्रीज हुआ था, उसके बाद वो कांस्टेंट जितनी थी उतनी ही रही। इन अ नटशेल, शॉर्ट में हमें कह सकते हैं, इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ टर्टल शो डिप्रेशन। सब स्पीशीज ने डिप्रेशन शो किया, मतलब कमी शो करी अपनी पॉपुलेशन में, उनके नंबर्स डिक्रीज हुए, एंड दिस मे बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। और जो एनवायरमेंट में कमी आ रही है, जो हमारा पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, ये इसका क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया एक एनालिटिकल पैराग्राफ है, जो कि राइटिंग टास्क पर बेस्ड है, ये हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है।